दोस्तों एक स्पोर्ट ड्रामा और रोमांस मूवी आई है थिएटर में मिस्टर एंड मिसेज माही के नाम से, स्टारिंग राजकुमार राव, जानवी कपूर एंड कुमुद मिश्रा इन लीड रोल। दोस्तों मुझे पता है कि मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन भाई साहब इस शुक्रवार को इतना सारा कंटेंट आया है ना, तो उनके देखने के लिए टाइम तो लगता है। एनीवे फाइनली मैंने इस मूवी को देख लिया है, तो कैसी है ये मूवी आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए थिएटर में जाना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी टेक प्लेस करती है जयपुर में, जहां पर महेंद्र नाम का एक किरदार है प्लेड बाय राजकुमार राव, जो कि एक क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन वह बस एक एवरेज टाइप का प्लेयर है तो वह सेलेक्ट हो ही नहीं पाता। फिर उसकी शादी हो जाती है जानवी कपूर एज ए महिमा से, जो कि एक डॉक्टर है, जो कि बचपन में थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलती थी, लेकिन एक दिन राजकुमार राव उसको क्रिकेट खेलते हुए देख लेता है, जो कि अच्छा खेल रही थी, और फिर वह महिमा को क्रिकेटर बनाने के जद्दोजहद में लग जाता है। तो इसके आगे कहानी में क्या होगा ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी लेंथ वेरी करती है 2 घंटे और 18 मिनट के आसपास। इन द मीन टाइम अगर मिस्टर एंड मिसेज माही का रिव्यू मैं एक लाइन में करूँ तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई यह है एक मस्त पैसा वसूल मूवी लगी मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई, इस मूवी को लीड कर रहे हैं राजकुमार राव, और उनकी परफॉर्मेंस किस लेवल की होती है ये तो हम सबको पता ही है। अभी तक तो उनकी श्रीकांत मूवी थिएटर में धूम मचा रही है भाई, और अब इसी महीने में ये मूवी आ गई है, यहाँ पर भी उनका काम काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। उन्होंने एक बेटे, एक हस्बैंड, एक कोच, एक क्रिकेटर के रोल में काम काफ़ी अच्छा किया है। पूरी की पूरी मूवी को लीड कर रहे हैं, जिसको वो क्लाइमैक्स तक खींच के ले जाने में कामयाबी हो जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ परफेक्ट था, जो सिचुएशन से मैच हो रहा था। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर जानवी कपूर का काम भी बहुत ही प्यारा था, और सपोर्टिंग कास्ट में यहाँ पर आपको कुमुद मिश्रा देखने को मिलेगा, जिन्होंने राजकुमार राव के पिता का रोल प्ले किया है, जो कि अच्छे थे। और राजेश शर्मा ने भी एक कोच के रोल में काफ़ी उम्दा काम किया, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, देखो भाई इस मूवी की यूएसपी है इसके इमोशंस, जो कि काफी अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहे थे। मूवी में हस्बैंड वाइफ के बीच में किस किस तरह के फेज देखने को मिलेंगे आपको, भाई साहब पहले शादी, फिर प्यार, फिर क्रिकेट, फिर कोच, उसके बाद जलसी, उसके बाद फिर प्यार, और ये सब देखकर आप ये बोलोगे कि भाई वाह मजा आ गया। मूवी का स्क्रीन प्ले भी ठीक से लिखा गया है, जो कि आपको एंगेज करके रखता है। हुक एंड बुक तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक थी, बीजीएम काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, और दोस्तों इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है ना, उसमें आपको मस्त मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस मूवी में कुछ खामियां भी है। भाई साहब इस मूवी में जो महिमा को क्रिकेटर बनाने का सफर दिखाया गया है ना, उसका स्ट्रगल दिखाया गया है ना, उसको थोड़ा और अच्छे से बिल्डअप करना चाहिए था। बॉलीवुड की मूवी में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिखाते हैं, उसके बाद तुरंत हीरो बना देते हैं, जो कि आपको हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को नहीं मिलेगा, और इसी की वजह से इस मूवी में थोड़ा हाँ मजा कम हो गया है भाई साहब। और इस मूवी को देखकर आपको रानी मुखर्जी की दिल बोले अड़िप्पा मूवी की याद भी जरूर आएगी, जहां पर रानी मैम को भी ऐसे ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिखाकर क्रिकेटर बना दिया गया था। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आप इस मूवी को क्रिकेट की वजह से देखना चाहते हो तो भाई आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि यार इसमें मैच सिक्वेंस को इतने अच्छे से बिल्डअप नहीं किया गया है। भाई साहब वही पहले वाला ड्रामा है कि पहले हीरो हार रहा होता है, फिर कोई मोटिवेट करता है, उसके बाद वो आके चौके छक्के मारने लगता है, वगैरह वगैरह, जो कि हमने इससे पहले भी काफी सारी फिल्मों में देख रखा है। मतलब कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों बातें तो और भी है करने के लिए, लेकिन अगर सब कुछ बोलूंगा तो मूवी स्पॉइल तो हो जाएगी, वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑल इन ऑल यह एक अच्छी मूवी लगी मुझे, जो आपका पैसा और टाइम वसूल करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको स्पोर्ट ड्रामा और रोमांस मूवी पसंद है तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। और रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, यह मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है, मूवी में कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली यह मूवी कपल्स को जरूर पसंद आएगी, तो मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेगा 3.5 out of 5 star। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मिस्टर एंड मिसेज माही के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।